Good afternoon, children. We are left with this topic. Can matter change its state? क्या matter अपनी state change कर सकता है? और matter जब state change करता है तो क्या होता है? उसके लिए हम ये दो जो है activities एक साथ ही समझ लेंगे, ठीक है? My daughter has helped me a lot in this diagram. तो आज हम पहले ये वाला study करते हैं कि इसमें क्या बताया है. For this you need a beaker, ice cubes, burner, stand, this is iron stand and a glass rod in order to stir water. तो हम इसमें क्या करेंगे? First of all, we have to make sure that the tip of the thermometer should touch the ice cubes. जो ice cubes हैं, वो tip जो है thermometer की वो touch करे. और आप अगर टेम्परेचर देखेंगे, जैसे ही वो टिप टच करेगा तो टेम्परेचर जो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर होगा उससे सीधा टेम्परेचर विल कम एट जीरो, जीरो डिग्री सेल्सियस. कितना हो जाएगा टेम्परेचर? जीरो. और जीरो डिग्री सेल्सियस सपोज ये टेम्परेचर हो गया. नाउ यू हैव स्टार्टेड हीटिंग, ओके? आपने लो फ्लेम पे इसको हीट करना स्टार्ट किया. यू विल सी दैट the ice will start melting on application of heat. Lekin you will not see any rise in temperature. Although you are providing heat, but where that heat has gone? आप heat provide करे जा रहे हैं, लेकिन heat जा कहाँ रही है ना? Heat आपने जो दी, आप provide कर रहे हैं ना with the help of a burner, but heat तो पता ही नहीं चल रही है कहाँ जा रही है, because temperature ही नहीं बढ़ रहा है. You are still finding it at 0 degree Celsius. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that the heat is somewhere hidden. और वो क्या कैसे hidden है? क्या काम कर रही है वो? Actually, this heat that you are supplying is used in overcoming the forces of attraction between the particles of ice. और जब ice के particles का attraction वो कम हो जाएगा, okay? तो क्या होगा? You will find a change in the state of matter. आप फिर देखेंगे कि सॉलिड हैज चेंज्ड इनटू व्हाट? लिक्विड. ऐसे केस में सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी आइस वाटर में चेंज हो जाएगी. लेकिन जब तक जीरो डिग्री सेल्सियस रहेगा, आप देखेंगे आपको आइस भी दिख रही है, वाटर भी दिख रही है. और जब कंप्लीटली आप देखेंगे, एक टाइम आएगा जब वाटर हो जाएगा, आइस चेंज हो जाएगी वाटर में और जीरो डिग्री सेल्सियस मिल रहा है. तो आपको समझ में आ रहा है वो हीट किस में यूज हुई? वो हीट यूज जो पार्टिकल्स जो थोड़ा क्लोजली अरेंज्ड थे उसके अट्रैक्शन को कम करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए, सो दैट इट विल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, उसमें यूज हो गई. दैट इज व्हाई दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट. इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, ओके? और इस प्रोसेस को मेल्टिंग जो हो रही है, ये मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है ना, दिस मेल्टिंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज फ्यूजन. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अंडरस्टूड? सो द हीट दैट वी सप्लाइड इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस. दैट इज व्हाई द वी डोंट सी एनी राइज इन टेम्परेचर. लेकिन उसके बाद आप देखिए फर्दर क्या हुआ. अब आपका ये सारा किसमें चेंज हो गया है? वाटर में चेंज हो गया है, ओके? मैं आपको दो एक्टिविटी साथ समझा रही हूं. अब ये आपका पूरा जो है किसमें चेंज हुआ? वाटर में चेंज हो गया है. एंड यू आर स्टिल सप्लाइंग हीट. आप हीट लगातार सप्लाई कर रहे हैं, ओके? You will see that the thermometer reading, the mercury, जो mercury की जो read mercury, you will see that mercury starts rising in the thermometer, okay? और हल्के-हल्के rise करते-करते आप देखेंगे कि now the vapors have started coming out, vapors निकल रहे हैं, okay? तो उस time क्या होगा? Liquid is changing into what? Liquid is changing into gas. This is known as what? You are doing. This happens at the time of boiling. Boiling होती है इसे. यानि आपके पास जो liquid water था वो एक तरह से water vapor में change हो गया. And उसके बाद
no matter how much you are going to supply heat, the temperature will remain at 100 degree Celsius. अगर यहाँ पे आके रुक गया है temperature, तो अब इसके बाद beyond that आप चाहे जितनी heat supply करें, the temperature will not rise. Again the same concept. Okay, the particles of water, you know, आप जो heat supply करें, that heat is supplied, that heat is actually used in overcoming the forces of attraction between the particles of liquid water. और liquid water किस में change हो जाता है? Into gaseous form में. इस hidden heat को हम क्या कहते हैं? Latent heat of vaporization. Okay? Latent is a Greek word which means hidden. इसका क्या meaning होता है? Hidden. This heat is hidden. I hope it is understood to you. Now we should know that what is the value for latent heat of ice as well as latent heat of water. So the latent heat of ice is 3.347 latent heat of ice is equal to 3.34 into 10 raised to the power 5 joules. 10 raised to the power 5 joules. So, latent heat of fusion, latent heat of fusion of ice is actually what? इसका मीनिंग समझ रहे? यानी इतने अगर आप 1 kg आइस को आप चेंज करना चाहते हैं इनटू वाटर, यू हैव टू सप्लाई दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इन ऑर्डर टू चेंज आइस इनटू वाटर. सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज व्हाट? 22.59 इनटू 10 रेज टू द पावर 5 जूल्स पर केजी. इसका भी समझ में आ गया होगा आपको मीनिंग. यानी हमें इतनी सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, हीट एनर्जी, इन ऑर्डर टू चेंज व्हाट? वाटर इनटू वाटर वेपर. ओके, तो इससे आपको एक, मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ. कभी अगर बर्न्स वर्न्स आ जाते हैं स्किन पे, और आपने सुना होगा कि आइस लगा दी उस अफेक्टेड एरिया पे, अगर बर्न्स आ गए हैं, ठीक है, सबसे पहली बात, बर्न्स आते हैं तो वजह क्या है? वो इतना क्यों हमारे लिए जो है डेंजरस होता है? व्हाई? बिकॉज जब आप जब हमारा हाथ जलता है गर्म पानी से, ठीक है, आपने सपोज करिए वाटर बॉइल हो रहा है और आपका हैंड सपोज करिए एक्सपोज हो गया स्टीम से, तो स्टीम से बहुत बुरे बर्न्स आते हैं. द रीजन इज दैट, क्योंकि स्टीम जब आपकी कोल्ड हैंड से टकराएगी और कहीं भी आपका जो भी पार्ट अफेक्टेड हो रहा होने वाला है उससे जब वो स्ट्राइक करेगी, तो व्हाट विल हैपन? इट विल लूज दैट मच अमाउंट ऑफ हीट, 22.59 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 जूल्स पर के जूल्स. तो ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है ना, इसीलिए इट कॉजेस सीवियर बर्न्स. इसी टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम कैन कॉज सीवियर बर्न्स इन कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि वाटर के पास कुछ फिर चेंज करने के लिए नहीं होता. वाटर, अगर आप सोचें 100 डिग्री सेल्सियस वाटर ज्यादा हार्मफुल है या 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, तो आई कैन से दैट स्टीम इज मोर हार्मफुल बिकॉज इट कैन कॉज सीवियर बर्न्स. इट विल रिलीज दैट मच अमाउंट ऑफ हीट एंड विल चेंज इन टू वाटर अगेन. सिमिलरली आप बर्न्स आपके आए, तो बर्न्स को किस में, अगर आप उसको इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक इफेक्टिव एजेंट इज आइस. इफ यू अप्लाई आइस विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो आइस क्या करेगी? इट विल अब्सॉर्ब हीट, दैट मच अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम योर स्किन. आपकी स्किन से वो इतनी हीट अब्सॉर्ब कर लेगी जो जिससे आप जले हैं, एंड इट विल चेंज इन टू वॉट? लिक्विड. ओके, और अगर आप ठंडा पानी 0 डिग्री सेल्सियस वाला ही आप डाले जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कुछ इफेक्ट होगा, तो यू विल नॉट बी मच रिलीव्ड. द रीजन इज दैट, क्योंकि वाटर उसके बाद जो है इतना कूलिंग एजेंट अच्छा नहीं हो सकता है. रीजन समझ में आया? द कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि
इन केस ऑफ स्टीम, स्टीम जब जब आप लगती है, स्टीम जब हम स्ट्राइक करती है हमारी सरफेस पे, हमें बर्न्स आ जाते हैं, तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करती है, और जब रिलीज करती है तो इट चेंजेस इनटू वाटर, समझ के, तो वाटर जो वाटर में चेंज हुई तो उसने इतनी एनर्जी, इट इज गिवन आउट। ऐसे ही जब कुछ जला तो आपने जब आइस आइस उस पर रब करी उस पोर्शन पे, तो क्या होगा, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपकी स्किन पर स्ट्राइक करी, इतनी इतनी ज्यादा एनर्जी वो इट्स बीइंग एब्जॉर्ब्ड। 3.34 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, दैट इज व्हाई आइस इज अ बेटर कूलिंग एजेंट देन चिल्ड वाटर।